गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। डर के भाग गया है। अरे भाग के जाएगा कहाँ, साले ने अपुन के नाक में दम कर रखा है रे। साला एक बार अपुन के हाथ लग गया ना तो साला जिंदगी भर पीटर का नाम लेना भूल जाएगा। चल किधर और देखते हैं, चल चल चल, चल। अरे चाबी कहाँ है, कहाँ है चाबी? अरे देख इधर ही। ए पीटर, तुम लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं तुम लोगों का यहां इंतजार कर रहा हूं। ए! ये रही तेरी चाबी। अब मैं ये चाबी तेरी जेब से निकालने के बाद ही बस स्टार्ट करूंगा। चीटर, आई मीन टू से पीटर। नामो निशान जुल्म का धरती से तू
मिटा, बात ये मन में ठान के लो मैं आ गया। लगता पीटर का टीटर हो गया है। अपुन का नाम भी अजय है अजय। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है बीड़ू। आए पीटर नहीं रैम्बो, गुड मॉर्निंग, जा चाय लेके आ। सुना नहीं, ए जाना चाय लेके आना रैम्बो। तू क्या कर रहा है? रैम्बो को चाय लाने के लिए कह रहा है? माँ वो अरे रे रैम्बो को छोड़ रैंबो। दे और तू मुझे बता कि तू जमीन पे क्या कर रहा था। माँ मैं तो समझ गई, तूने फिर कोई नया सपना देखा है। लेकिन माँ जब तू मेरा सपना सुनेगी ना तो तुझे विश्वास नहीं होगा। हाँ अरे लेकिन तू क्या जिंदगी भर सपने ही देखता रहेगा? क्यों माँ, सपने देखना क्या बुरी बात है? नहीं, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन एक मामूली आदमी और बड़े आदमी के सपने देखने में फर्क इतना है कि मामूली आदमी रात का सपना दिन में भूल जाता है और बड़ा आदमी वही सपना दिन के उजाले में पूरा करके दिखाता है। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझा? आ मेरे साथ, इन्हें तो तू पहचानता ही होगा। ओहो माँ, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरे परदादाजी हैं, और ये सब पुलिस में थे। पुलिस में तो थे ही, लेकिन ये बड़े बहादुर भी थे। इनकी बहादुरी के चर्चे लोग आज भी करते हैं, और ऐसे शूरवीरों के खानदान में तूने जन्म लिया है, इसीलिए मैंने तेरा नाम अजय रखा है। अब तुझे भी कोई ऐसा बड़ा काम करके दिखाना है जिससे तेरा ये नाम सार्थक हो। ऐसा ही होगा माँ, तेरा सपना जरूर पूरा होगा, बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। माँ का आशीर्वाद तो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है, और तुझ पर तो बजरंग बली की विशेष कृपा है, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। अब चल जल्दी से तैयार हो, आज जाते जाते तुझे मामा को साथ लेके जाना है, वो तेरा इंतजार करते होंगे। मामा? हाँ मामा तो अभी कसरत करते होंगे। जय बजरंग बली। पचीस, पचास, पचहत्तर, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ। सो आज का कोटा खत्म हो गया। आग लगी है। ऐसे क्यों घूर घूर के देख रही हो? कौन हो तुम? धन्नु, दूध वाली। दूध वाली? मैं तुमसे कभी दूध नहीं लेता। बाबू, हमरे बापू गए हैं गाँव, इसलिए आज से दूध तो हम ही देंगे। बोलो दूध कहाँ दे? यहाँ, यहाँ नहीं, ठहरो आता हूँ, अभी आता हूँ। आजकल दूध में बहुत पानी होता है। पानी देखी? देखो बाबू, आप हमरे बसंती की बहुत बेइज्जती कर रहे हो। बसंती? ये बसंती कौन है? बसंती तो हमारी भैंस का नाम है। अच्छा तुम्हारी बहन है? भैंस है, भैंस है, जिसका दूध पी पी कर आप ये पहलवान जैसा बॉडी बनाए हो। तो क्या सचमुच मैं पहलवान लगता हूँ क्या? हाँ तो डाल लो दूध। धत तेरी की। हे बजरंग बली, मेरा डिजाइन बदल दे। मेरा मतलब है कि मुझे हवलदार से इंस्पेक्टर बना दे। पूरे 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बस सिर्फ इतना सा प्रसाद चढ़ाएगा? कंजूस कहीं का। नहीं माँ मैं तो, अरे मैं तो पूरे बस्ती को प्रसाद खिलाऊंगी। ये ले प्रसाद ले और अब काम पे चल। चल चल चल। अजय, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ कर्म करने पड़ते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बस तू देखती जा माँ कि मैं अपने कर्मों से अपना और अपने खानदान का नाम ऐसा रोशन करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। चुप, नौटंकी कहीं का। अब जा, देर हो रही है, जा। अरे रुक रुक रुक, खाने का डब्बा तू भूल ही गया, ये ले। थैंक यू माँ। अरे हाँ, मामा को साथ ले जाना नहीं भूलना। हे बजरंग बली, मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। जय बजरंग बली। जय हो।
हो मामा? आया भांजे। अरे बसंत जी का भारी दूध पी लिया, मेरी टांग टूट गई। अरे क्या करूं? आया आया। अरे मामा आपने अपनी टांग कैसे तोड़ ली? बरकुरदार, हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए हमने भारी वजन उठा लिया। फिर पता चला वाकई हमें ताकत का अंदाजा नहीं था, मोना डार्लिंग। मामा आपने जरूर गोविंदा की तरह उछल कूद करने की कोशिश की होगी, उसी का ये नतीजा है। देख भांजे, गोविंदा के बारे में कुछ नहीं बोलना। अरे पुलिस से लेके हीरो तक नंबर वन है, क्या डांस करता है। चलो बैठो बैठो, अभी बहुत हो गया। भांजे देखो बस्ती वालों, देख भांजे। आज की ताजा खबर, मुख्यमंत्री रामलाल पे भ्रष्टाचार का आरोप, 25 करोड़ का घोटाला। आज की ताजा खबर, मुख्यमंत्री रामलाल पे भ्रष्टाचार का आरोप। ये झूठ है, बेबुनियाद है, मुझे फंसाने की एक साजिश है। अपोजिशन पार्टी का हाथ है इसमें। प्लीज मेक इट, प्लीज मेक वे नाउ, प्लीज। ये गलत है, सब गलत है, दिस इज नथिंग बट नॉनसेंस, सफेद झूठ है ये। मैं साफ हूँ, मेरा दिल साफ है, मेरी सरकार साफ है। क्या कहा? इनके कहने का मतलब है इनकी सरकार बिल्कुल क्लीन है। लेकिन सर आचार्य जी का दावा है कि उनके पास पक्के सबूत है और वो साबित कर सकते हैं कि आपने 50 करोड़ की रिश्वत ली। पक्के सबूत है? कसम है बैलेट बॉक्स की। लेकिन इनके कहने का मतलब है अगर सबूत है तो वो छापते क्यों नहीं? वो छापते क्यों नहीं? देखिए आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझने की कोशिश कीजिए। ये उनकी एक चालाकी है, अपने अखबार की बिक्री बढ़ाने की सिर्फ एक तरकीब है ये। लेकिन अगर उन्होंने सबूत छाप दिए तो? सबूत छाप दिए तो? छाप दिया तो पहले वो छाप तो दे। भाई भाई लोगों, मुख्यमंत्री जी आपके हर सवाल का जवाब देंगे। क्यों मुख्यमंत्री जी? इस वक्त हमारे पार्टी की मीटिंग चल रही है, आप लोग जाइए। नहीं नहीं नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बैठिए 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 बैठिए, प्लीज बैठिए बैठिए। सत्यमूर्ति जी आपने कह तो दिया कि मुख्यमंत्री जवाब देंगे, लेकिन मैं कहूंगा क्या? आप क्यों चिंता करते हैं? मैं सिर्फ पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बल्कि आपका मित्र भी हूं। उन्होंने सवाल आपसे पूछा है, मतलब मुझसे पूछा है, जवाब मैं दूंगा। आप जवाब देंगे सो देंगे, लेकिन सीएम साहब हम सब जानना चाहते हैं कि आपने पैसे कितने लिए हैं। आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार आदमी हूं। सीएम जी, राजनीति में हम सब ईमानदार हैं। हाँ हाँ, होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। बात शक की नहीं है, बात पैसे की है। आचार्य जी की खबर पूरी तरह झूठी नहीं हो सकती। झूठी नहीं हो सकती। अब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? सत्यमूर्ति जी, सीएम साहब, हमको जवाब आपको ही देना होगा। देखिए आप मेरी बात तो सुनिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर दिल्ली से फोन है। एक्सक्यूज मी, इन्हें भी शक हो गया कि 50 करोड़ का घपला हुआ है। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, छोड़िए 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 सर छोड़िए। अरे सर, ये तो आपको इन लोगों से बचाने के लिए मैंने ये तरकीब निकाली थी। अच्छा, बड़ा देशा मंत्री कहिए ना सर, मंत्री मंत्री। लेकिन तुम मेरे पीए हो, समझे? यही तो किस्मत का खेल है सर, मेरा सरनेम मंत्री होते हुए भी मैं आपका पीए हूँ। शट अप बड़ा देशा। अच्छा, आप नहीं बकते रहोगे कि तरकीब भी बताओ। हाँ सर, सर आप एक काम कीजिए, वो आचार्य है ना, उसे दे दो एक धमकी और बाहर वालों को दे दो एक आश्वासन। हाँ, यानी कि इंक्वायरी कमीशन बैठेगी। करेक्ट। जांच पड़ताल होगी। करेक्ट। इसमें 4-5 बरस निकल जाएंगे, आपकी टेन्योर भी खत्म हो जाएगी। प्रजातंत्र पर हमला वगैरह 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 से बोलते ना, दिल्ली से हुक्म था, द एंड, बात खत्म। महाराज देखा, आप तो मंत्री कहिए ना, प्लीज मंत्री कहिए, प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, कभी कभी तुम अकलबंदी की बात करते हो। कभी कभी मैं तो रस्ते से जा रहा था, पिछले बेवड़ा। क्यों गौड़े, सब बढ़िया? नमस्कार, सलाम साहेब। आजा भांजी। उमर, मैं तो रस्ते से जा रहा। मामा, यहाँ बेकार बैठने से अच्छा है कि हम लोग बाहर चले, हो सकता है कि हम लोग को जुर्म होने से रोक दे। मेरी बात मान भांजे, अकेला हवलदार कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता, मुझे एक मौके की जरूरत है, सिर्फ एक मौके की। और मामा, मैं ये साबित करके दिखा दूंगा कि आप गलत हैं। हाँ, मैं गलत हूँ। पेपर नीचे रख, नीचे रख। हेलो, कौन है? यस सर, यस सर,
एक मिनट सर, एक मिनट, बाजूर बाजूर बाजूर, आई एम आई कमिंग, मे आई कमिंग सर? कमिंग सर, सर आचार्य जी का फोन आया। देवदत्त आचार्य? यस सर। नमस्ते आचार्य जी, मैं शर्मा बोल रहा हूं, हुक्म कीजिए, कैसे याद किया? क्या ठीक है, मैं फौरन एक्शन लेता हूं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी एक्शन लेता हूं, ठीक है, बाय। भीम सिंह? यस सर। आचार्य जी के ऑफिस में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है और उन्हें धमकी भी दी है, जाकर तहकीकात करना, और कुछ नहीं, समझे? समझ गया, सिर्फ चाय पी के आना, समझ गया। क्या मुसीबत है, कुछ करो तो नेता छोड़ते नहीं, कुछ ना करो तो प्रेस छापेगी, पुलिस बेकार है, हमारी प्रॉब्लम तो कोई समझता ही नहीं। सही बोल रहे हो सर, सही बोल रहे हो, आजकल फिल्मों में भी सब कुछ होने के बाद पुलिस की एंट्री होती है और वो एक ही डायलॉग बोलते हैं, ठहरो, कानून को अपने हाथ में मत लो। भीम सिंह सर, हम लोगों को पुलिस के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले हम लोग कैसे है, गोविंदा को हीरो लेंगे ना। भीम सिंह, मैंने फिल्म का नाम भी तय किया है, हवलदार नंबर वन। भीम सिंह समझ गया, ठीक है, अभी जा रहा हूँ, जाओ। चल भांजे, आज मैं तुझे एक बड़ी हस्ती से मिलाता हूँ। कौन है वो? श्री देवदत्त आचार्य। तबाह करना चाहते हैं मुझे, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, समझते क्या है अपने आप को? अरे अरे, अगर ये रामलाल समझता है कि मैं उसकी धमकियों से डरता हूँ तो ये उसकी गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं मेरी आवाज को कभी घुटने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर मेरी आवाज जनता तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अरे, अंग्रेजों को हमने इस देश में रहने नहीं दिया तो रामलाल जैसे देशद्रोही चीज क्या है? मैं तो हर देशद्रोही के चेहरे से नकाब उतार कर रहूंगा जो भ्रष्टाचार के दीमक से इस देश को खोखला कर रहे हैं। आचार्य जी, इस नेक काम में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मदद मत कहो नौजवान, फर्ज कहो, फर्ज। क्या नाम बताया तुमने? अजय। अजय मेरा भांजे है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं। अजय अच्छा नाम है, जिसकी हमेशा जीत होती है। एक बात याद रखना, अगर जुल्म करना जुर्म है तो जुल्म सहना पाप है। हाँ, हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, हमेशा। रामलाल जैसे भेड़ियों से हमें अपने देश को बचाना है, और वो भी फर्ज समझकर, मदद कहकर। अपने देश को अपाहिज मत बनाओ, अपना देश अपाहिज नहीं है। आचार्य जी, अगर आपके पास चीफ मिनिस्टर रामलाल के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, तो आप छापते क्यों नहीं? कैसी बातें कर रहे हो भांजे, आचार्य जी को ये प्रेस चलानी है, एक ही दिन सब कुछ छाप देंगे तो दूसरे दिन क्या करेंगे? है ना आचार्य? बकवास बंद कर, बात ये नहीं है नौजवान। वैसे तो अपने देश में हर रोज कोई ना कोई हंगामा होता रहता है, खबरों की कमी नहीं है। दरअसल रामलाल जैसे नेताओं ने आम आदमी के लिए मुंह और रोटी के बीच की दूरी को इतना बढ़ाया है कि बेचारा आदमी सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचता है। अरे भाई, उसे हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि अपना देश संकट में है, खतरे में है। बार बार खबर पढ़ने पर उसे इस बात का एहसास होता है, और जब ऐसा होता है तब एक भारतीय 10-10 रावण को मारने की ताकत रखता है। आज की खबर से जनता में खलबली मची है, लेकिन कल जब रामलाल की काली दौलत के बारे में खबर छपेगी तो जनता चौकन्नी हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जनता के हर सवाल का जवाब रामलाल को देना ही पड़ेगा। अब ज्यादा देर तक वो भोली भाली जनता को बेवकूफ नहीं बना सकता। वाह मामा, क्या इंसान है, तुझे आज पता चला? मैं आचार्य जी की बात कर रहा हूँ, उनको तो मैंने अपना गुरु मान लिया है। वो गुरु तुम्हें कौन? मैं महागुरु। अरे आचार्य जी की बातों ने तो मुझे नया रास्ता दिखाया मामा। भांजे, हर बात को सीरियसली मत लेना, मेरी बात मान, नहीं तो तेरा ये नया रास्ता आखिरी रास्ता बन जाएगा। क्या क्या, क्या कर रहे तू? तो महाभारत सीरियल देखी थी ना? भांजे, तेरे से पंगा मत ले, मैं जो बोलता हूँ वही कर ले। ओ मैडम, ये सड़क क्या आपके बाप की है? नहीं तो क्या तुम्हारे बाप की है? वो किसकी अभी पता लग जाएगा, लाइसेंस बताइए, लाइसेंस। तुम्हारी ये हिम्मत की मुझसे मेरा लाइसेंस मांगो? जानते नहीं मैं सीएम की बेटी हूँ। आप चाहे सीएम की बेटी हो या पीएम की,
कानून सबके लिए बराबर है। लाइसेंस दिखाइए। मैंने कहा लाइसेंस दिखाइए। तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझसे बदतमीजी से पेश आओ? जिसे जो भाषा समझ में आती है मैं उसे उसी भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब मैं बदतमीज हूँ? देख लूंगी तुम्हें। ज्ञानी सोनल, क्या बात है? आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं या नहीं? कसम बैलेट बॉक्स की, मैं ही चीफ मिनिस्टर हूँ। क्यों? ऑफ कोर्स, यही चीफ मिनिस्टर है, मतलब अभी तक तो है। सर क्या है, आजकल कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन बेटी ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रही हो, क्या बात है? तो उस मामूली से हवलदार की हिम्मत कैसे हुई कि वो चीफ मिनिस्टर के बेटे के साथ बदतमीजी से पेश आए और ऊपर से मुझे बदतमीज कहे? कौन है वो, किसने की ये हिम्मत? लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर। क्या सुनो, क्या सुनो? तुमने सीएम की बेटी की गाड़ी रोकी है। स्टूपिड। सर वो गाड़ी ही ऐसे चला रही थी जैसे सड़क उसके बाप की हो। अरे वो सीएम की बेटी है, चीफ मिनिस्टर की, सड़क तो क्या, सारा स्टेट उसके बाप का है। लेकिन सर तुमने उसे लाइसेंस मांगा? गॉड। सर आप तो जानते हैं कि उसने कानून तोड़ा है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सीएम की बेटी हो या। हाँ, इसीलिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड? लेकिन सर मेरा जुर्म क्या है? जुर्म? एक सरकारी नौकर होकर तुमने सीएम की बेटी का रास्ता रोका, उसे भला बुरा कहा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है और इसीलिए तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है। ऐसा मत कीजिए सर, नहीं तो मेरी माँ का सपना तोड़ जाएगा सर। प्लीज सर, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा सर? प्लीज। आई एम सॉरी अजय, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पागल हो गया तू, पागल? नहीं मामा नहीं, मेरे साथ जुल्म हुआ है और आप तो जानते हैं आचार्य जी क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार्य जी का कहना है कि जुल्म सहना पाप है और मैं ये पाप नहीं करूंगा। मामा मैं तो चला सीएम साहब के पास। भांजे भांजे मेरी बात सुन। अरे नहीं भाई, मैंने बोल दिया ना सीएम साहब को वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हें किस सिलसिले में मिलना है? मेरे साथ जुल्म हुआ है। इसमें कौन सी नई बात है? आचार्य जी का कहना है कि जुल्म सहना पाप है। आचार्य? कौन आचार्य? श्री देवदत्त आचार्य जी। वो तुम्हारे कौन लगते हैं? वो मेरे गुरु हैं। कसम मैं बैलेट बॉक्स की। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अगर सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। समझे नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। खैर आपका काम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। क्या है राधेश्याम? सर ये अजय आपसे मिलना चाहता है। अरे भाई इतनी दूर क्यों खड़े हो, करीब आओ करीब आओ। आओ, आओ, आओ। क्या परेशानी है? यस व्हाट इज योर प्रॉब्लम सर? यस यस बोलो। सलाम साहब। सलाम। बोलो सर। मैं हाँ बोलो बोलो, प्रॉब्लम बोलो, नो प्रॉब्लम, बोलो बोलो। हाँ सर मैं वही हवलदार हूँ जिसे आपने सस्पेंड किया है। गुड। सस्पेंड किया? कौन है ये, क्या बात है? सर वो सोनल जी बदतमीजी हवलदार। ओ हाँ आई सी, तो वो तुम हो जी। शुक्र करो सस्पेंड किया है, डिसमिस नहीं किया। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, गेट आउट। सर मेरी आई से गेट आउट, गेट आउट। ठीक है सर, तो आप मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही मुझे गेट आउट कर रहे हैं? मामा सही कहते हैं कि हमारे देश में आचार्य जी जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। कौन है ये आचार्य? श्री देवदत्त आचार्य। जी देवदत्त जी, तुम उसे कैसे जानते हो? ये उनका शिष्य है। शिष्य जी? और ये कहता है वो सारी बातें अखबार में छापेंगे। अखबार में? सर दिल्ली से फोन है। हाँ हेलो जी, हेलो। रख दीजिए। सर सर आप अगर उस लड़के से बचना चाहते हैं तो आप उसके सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लीजिए। क्यों? सोच लीजिए, सोच लीजिए, अगर आप उसके सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लेते हैं तो आचार्य जी आप पर खुश हो जाएंगे। इतना ही नहीं, पुलिस फोर्स के सारे हवलदार आप पर खुश हो जाएंगे। और सर मेरे ख्याल से हमारे पुलिस फोर्स में कम से कम 30,000 हवलदार है, इसका मतलब है 30,000 वोट्स, 30,000 वोट्स सर, 30,000 वोट्स। कसम बैलेट बॉक्स की, 30,000 वोट। तुम एक काम करो,
क्या नाम है उसका? आचार्य। नहीं नहीं, उस लड़के का जो मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है। अखर जो भी है, फौरन तुम उसका सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल कर दो। क्या बात है सर। और सोनल का क्या करें? सोनल का क्या करें? सोनल को उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राधे श्याम, सोनल को कौन समझा? सर सोच लीजिए, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। सीएम की बेटी ने एक मामूली हवालदार से माफी मांग ली, ये बात अगर पब्लिक में फैल गई तो आपका वजन कितना बढ़ जाएगा, मेरा मतलब है पॉलिटिकल वजन कितना बढ़ जाएगा। और सर, एक हवालदार के घर में दो वोट्स रहते हैं, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 बोले तो कितने वोट्स हो गए? 60,000 वोट आपको मिलेंगे सर। 60,000 वोट्स। 60,000? यस सर। कहां है सोनल? क्या माफी और इससे? हाँ बेटी, देखो अजय एक होनहार नौजवान है और ऐसे होनहार नौजवानों की इस देश को सख्त जरूरत है। और इसने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज निभाने के लिए किया है, और तुमने कानून तोड़ा है बेटी, इसलिए तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। मैं नहीं मांगूंगी माफी। है? तुम्हें माफी मांगनी होगी। माफी मांगने में क्या हरज है, समझती नहीं है? माफी मांग लो सुनो जी, ये तो अक्सर मांगते रहते हैं। तुम्हें माफी मांगनी होगी, ये मेरा हुक्म है। I'm sorry. That's like a good girl. बेटे, एक सीएम होने के नाते से मैं तुमसे ये कहूंगा कि इसे इसकी जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक बाप होने के नाते से मैं तुमसे ये कहूंगा कि अगर हो सके तो इसे माफ कर दो। ठीक है सर, फिर ऐसी गलती मत करना। अरे भाई जाओ, अपनी ड्यूटी वूटी संभालो। थैंक यू सर। सर 60,000 वोट अंदर आ गए। हेलो हेलो भाई, तुम लोग बिल्कुल सही और ठीक वक्त पर। देखो तुम्हारी सहेली का मूड इस वक्त बहुत खराब है, इसका मूड ठीक करो भाई। अंकल, हम आपसे मिलने आए हैं। मुझसे क्यों, क्या बात है? अंकल, सोनल ने आपको बताया नहीं? नहीं। एक्चुअली अंकल, हम एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे चीफ गेस्ट बने। अरे भाई, मेरे पास कहाँ वक्त है, आई एम सॉरी। लेकिन अंकल, हम ये जो शो कर रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए कर रहे हैं। लेकिन लेकिन कौन सी तारीख को? 15 तारीख को। 15 तारीख सर अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आऊंगा। राधे श्याम, इनको जिस चीज की भी जरूरत हो इनकी मदद। ओके, बाय बाय बाय। देखिए आप लोग फिक्र मत करो, आपका सब काम हो जाएगा। अरे मेरा नाम भी राधेश्याम मंत्री है। राधेश्याम जी। जी सुनल जी, मुझे इस बेइज्जती का बदला लेना है। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? सीएम साहब अपने रिलीफ फंड में। उस हवलदार की बात कर रही हूँ। हवलदार? वो सबक सिखाना है जो कभी नहीं भूले। अच्छा वो हवलदार, अभी जाने भी दीजिए ना। वो हाल करना है कि जिंदगी भर दूसरों से माफी मांगता फिरे, और ये सब आपको करना है। मुझे? Come on, friends. लेकिन लेकिन गया गया काम से गया। बच्चों तुझे वर्दी तो मिल गई, लेकिन उसे पहनने के लिए शरीर? ए टाइम जर्दा दादा किसी का सुपारी ले लिया तो पूरा पान बना के वापस लौटाता है। देखो भाई साहब। ए भाई साहब नहीं, दादा बोल। दादा? जर्दा दादा बोल। हाँ वही, देखो जर्दा दादा, मैं यहाँ पान खाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तेरे को क्या पान बना रखा है? नहीं तू रुक। नहीं, आप इतना गर्म क्यों हो रहा है? देखिए डर गया। ये अपन का स्टाइल है बेवकूफ। रंग मैच हो जाएगा। अभी तो उंगता नहीं। चिकनिया जी। हमारे यहां भी एक है। कहां है ये? जोर से असमत काट डालेगा। चिकनिया मेनू? नहीं नहीं, मैं अभी खाना खा के आया हूं। बिल्कुल। ये दूसरा मेनू है। बोले तो घपा कप मेनू। रेड फिक्स। आगे पीछे नीचे ऊपर घपा कप रेट फिक्स। जर्दा बाबा फिक्स रेट। एक हाथ तोड़ने का 5,000 रुपया, दो हाथ तोड़ने का 8,000 रुपया,
एक टांग तोड़ने का 7,500 रुपया, दो टांग तोड़ने का 12,000 रुपया, ये एक हाथ तोड़ने का 5,000 रुपया और दो हाथ तोड़ने का 8,000 रुपया, ये क्या चक्कर क्या है? तू कभी होटल नहीं गया? जी नहीं। फोकट में खाता है? ए, होटल में हाफ तंदूरी चिकन 50 रुपए में मिलता है। कितने में? 50। लेकिन फुल चिकन 80 रुपए में मिलता है। कायको, कायको, वो होटल चलता नहीं होगा? नहीं, नहीं? फुल प्लेट डिस्काउंट में मिलता है। हाँ, ये बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये तू सोच के बता दे तेरे को क्या करने का है। देखो दादा, ऐसा कर, तू सोच मत। हाँ? अपुन उसको लुड़काई डालता है, बोले तो उसका गेम कर डालता है। फुल एंड फाइनल 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया तू पिएगा? दादा, उसको जान से नहीं मारना है, उसकी सिर्फ मरम्मत करनी है, उसको प्लास्टर लगाना है। क्या मैं तेरे को कड़िया लगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है उसको प्लास्टर में डालना है। बोले तो बुफेट, बुफेट तेरे को बुफेट चाहिए। वो क्या होता है? चिकनिया। जी तू नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चिकनिया इसको बुफेट का मतलब समझा दे। नहीं समझा तो इसको लोड का। दादा दादा दादा, सुन यार, दादा, किसी भी होटल में जाने का, एक ही बार पैसा देने का, टेबल पे जितना खाना पड़ा वो पेट फटे तक खाने का, इसका मतलब है बुफेट। ओ, बुफे कहना चाहते हैं भाई? ये बुफेट को बुफे कहते हैं। दूं क्या रखे? तू जल्दी तेरा बकरा दिखा दे, नहीं तो तेरी कतरी सुपारी बनाकर पान में डालकर चबा डालेगा। क्या ये देखिए, मेरे को मत देखा, चिकने को देखा। किधर है? मैं इधर हूँ। क्या हुआ? बाप रे, धर्मात अपन उसको लड़का था। ले लिया ना, सुपारी ले लिया। दादा एक बार फोटो देख लेना, हम लोग लटक जाएंगे। पागल हो गया? पुलिस वाला? अरे पुलिस वाले पे हाथ डालेगा, अपन का क्रिया कर्म हो जाएगा, अपन का धंधे को ताला लग जाएगा। ए शाने, ए चुपे, ज्यादा बकवास नहीं करने का। ए, हल्का हो जा, चल चले। पीएटू सीएम आदमी हो, चपका देगा क्या? आ जा इधर, आ जा, देख देख, मेरा सांप भी मरेगा, तेरी लाठी भी नहीं टूटेगी। अपने पास एक बहुत बड़ी आइडिया है, क्या बोलता है? बाजे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सीएम ने तेरी सस्पेंड ऑर्डर कैंसिल कैसे कर दी? कमाल है, है ना कमाल मामा, है ना कमाल? और आप कहते थे एक अकेला हवलदार कुछ नहीं कर सकता, कर दिखाया ना मैंने। देख ज्यादा होशियारी मत कर, वो सीएम की बिगड़ी हुई औलाद है, सिर्फ माफी मांगकर चुप बैठने वाली नहीं है। मामा वो क्या बिगाड़ लेगी मेरा? ए, भांजी तू अपन को जानता नहीं? अरे जानता है, जानता है, चल। अपन का कॉलर में दोबारा हाथ डालेगा ना तो तेरे को आग का किमाम का बाटली में गला डालेगा। फिल्मी डायलॉग नहीं है, बहुत लोगों को गला डाला है। बोले तो यशवंत, बोले तो ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, समझा? अरे चल जा। वर्दी धोयला है, ये अपन का स्टाइल है। चले कड़क चाय बोल, तेरे लिए भी बोल। मुंह छाने के बाद तू पब्लिक को बोल सकता है जरदा दादा के साथ चाय पिया, वो भी कड़क। इतनी कड़क काफी है? क्या और कड़क करूं? बच गया तू बाप, बच गया। मालूम काहे को? क्योंकि तू पुलिस स्टेशन में है, पुलिस का वर्दी में है, नहीं तो आखा जिंदगी का राशन कार्ड अपन कैंसिल कर डालता। बोले तो कैंसिल। ठीक है, मैं देखता हूं। तेरी तो कपड़ा अंदर। अजय छोड़ दो इसे। लेकिन सर इसने, छोड़ दो इसे, ऊपर से ऑर्डर आया है। चर्दा
तुम जा सकते हो। चाहता है साहब। देखा अपन का वाइट, ये तेरे को ये खून का गर्मी आजमाने का है ना, तो इस छत के बाहर बिना वर्दी के अपन के मोहल्ले में आना। आएगा ना? ए, आना जरूर, अपन तेरे को खिलाएगा कड़क बनारसी पान, की माम लगा के खाएगा ना, आना क्या? मेरी बात मान, अकेला हवालदार कुछ नहीं कर सकता। हाँ, फिल्मों में ऐसा होता है, जैसे जंजीर में अमिताभ। ए, चला जा। हवालदार का थोड़ा देखने माफिक था। अपन एकदम उसको खुले में चैलेंज दिया, वो भी पुलिस स्टेशन में। क्या कहता है बाप? कुछ नहीं, अपन बोला तेरे को खून का गर्मी आजमाने का है, तो वर्दी उतार के आ। अरे वो जंजीर के शेर खान के माफिक, अपन तेरे को फिल्मी भाई लगाएगा। अरे नहीं भाई, और तेरे हाथ में क्या आंकड़ा लगाएगा? नहीं दादा, हल्लू हल्लू। जी दादा। जरदादा जरदादा। सोनल, मुझे नहीं लगता वो आएगा। वो 100% आएगा, और ये जरदादा उसकी धुलाई कर देगा। जरदा भाई, लगी 50-50 की, वो शाना नहीं आएगा। अपने आप को शाना समझता है? नहीं भाई, मैं 100 की लगाता है, वो नहीं चाहेगा। तू हार जाएगा जर्दा। मोहल्ला भी तेरा है, वर्दी भी नहीं है। तूने चैलेंज दिया था ना मुझे जर्दा, मैं आ गया हूं। तू आयला है, दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन तू जाएगा नहीं, सुन रहा है। बहुत जोर से लगी, अब मांगू माफी? इसका मतलब कि ये सब तुमने किया? पान की मांग लगा के मांगे। अजय मां, मांजे मामा, धीरे मामा, बहुत बेदर्दी से मारा रे तुझे।
गया, चला गया था अमिताभ बच्चन बनने, आज तक मैं गोविंदा नहीं बन सका। मामा, मामा क्या तुम सही कहते थे मामा? क्या कि एक अकेला हवलदार कुछ नहीं कर सकता मामा? मैं हार गया मामा, मैं हार गया। क्या क्या कहा तूने माँ? वो फिर से बोल, क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ। वाह बेटा वाह, एक ठोकर में, सिर्फ एक ही ठोकर में तेरा विश्वास टूट गया। लेकिन माँ, मैं अकेले कर भी क्या सकता हूँ, किस किस से लड़ूंगा मैं? बुराई से, पाप से, अत्याचार से लड़ेगा तू। तेरा ये मामा तुझे यहाँ इस हालत में लेकर आया, मैं घबराई नहीं, बल्कि मेरा सर तो फकर से ऊंचा हो गया था, क्योंकि तूने कुछ कर दिखाने की कोशिश तो की। लेकिन अब पता चल रहा है कि मेरा बेटा तो हिम्मत हार कर यहाँ आ गया है। लेकिन माँ, आज के जमाने में अकेले कुछ भी करना नामुमकिन है, यही सच्चाई है। सच्चाई? सच्चाई तो मैं तुझे दिखाती हूँ। आ, इन्हें देख, ये भी तो अकेले थे। सिर्फ यही क्यों, गांधी जी, नेहरू जी, शिवाजी ने भी अकेले ही शुरुआत की थी। धर्म का पाठ सिखाने वाले राम, मोहम्मद, ईसा, ये भी तो अकेले थे। अकेले तो सभी थे, लेकिन इन सब में अपने आप में विश्वास था। और जिस आदमी में अपने आप पर विश्वास नहीं होता, वो जिंदगी में कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। अजय, मुझे अपना सपना टूटने का गम नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि तेरा विश्वास टूट गया। बस करो माँ, बस करो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफी नहीं, मुझे वचन चाहिए, मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूँ माँ, जीवन में जितनी भी रुकावटें आए, जितनी भी परेशानियां आए, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपना नाम सार्थक करूंगा, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करूंगा, और कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम्हारा सर फक्र से ऊंचा हो जाए। और जब तक मैं अपना वचन पूरा नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। असली तूफान तो कल सुबह आएगा, जब जनता यह खबर कल के अखबार में पड़ेगी। अब सीएम बहानों से नहीं बच सकता। इस आचार्य के बच्चे ने नाक में दम कर रखा है, बहुत जल्द इसका इलाज करना होगा। उसको फांसी लगने वाली है, तो इसका बाहर आना नामुमकिन है। नामुमकिन, शैतान के लिए हर चीज मुमकिन है, क्योंकि शैतान हर दिल में बसता है। आज की ताजा खबर, खतरनाक आतंकवादी बल्लू लंगड़ा जेल से फरार।
आज की ताजा खबर, खतरनाक आतंकवादी बल्लू लंगड़ा जेल से फरार। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमारे शहर में दो आरडीएक्स एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स हैं, एक ये बल्लू लंगड़ा और दूसरा कालिया। और मुझे यकीन है सर, बल्लू लंगड़ा को जेल से निकलवाने के बाद अब दुश्मन कालिया को जेल से छुड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होगा सर, क्योंकि 2400 घंटे हमारी नजरें कालिया पर रहेगी। पुलिस की आंखों में धूल झोंकना बल्लू लंगड़े का पुराना शौक है। इस बार कैसे याद किया शैतान, हुकुम करो कितनी लाशें बिछानी है। इस बार पुलिस को गिनने के लिए लाशें नहीं मिलेंगी। लगता है शैतान के शैतानी दिमाग ने बहुत खतरनाक प्लान सोचा। यस, इसीलिए पहले तुम्हारे साथी कालिया को जेल से बाहर निकालना होगा। कालिया भी? इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। कालिया को जेल से छुड़ाना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि उसके चारों तरफ पुलिस है। मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जिसकी एक चाल से तुम्हारी पुलिस कालिया को बाइज्जत हमारे हवाले कर सकती है। कौन सा मोहरा? सोनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका स्वर्गीय बाला साहेब पाटिल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस चैरिटी शो से जमा किया हुआ पैसा चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को दिया जाएगा। हमारे गुरु बाला साहेब पाटिल कहा करते थे कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के कमजोर, बेबस और मजबूर लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। आज चीफ मिनिस्टर साहब यहां खुद आने वाले थे, लेकिन अफसोस कि किन्हीं जरूरी कामों में फंस जाने की वजह से वो यहां नहीं पहुंच पाएंगे। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट द फेमस डांसर मिस पिंकी चिनॉय। I'm
ऑपरेटर से कहो कि ये कॉल ट्रेस करें। यस सर। कौन है तुम? कौन है तुम? Who the hell are you? मुझे पहचानने की कोशिश बेकार है कमिश्नर। मैं वो दरिंदा हूं जो तुम लोगों पर राज करने आया हूं। मैं डर हूं जो तुम्हारे दिलों में बसेगा। मैं वो अंधेरा हूं जो तुम लोगों की रातों की नींद आराम करेगा। मेरा नाम है शैतान। शैतान? कॉलिंग कंट्रोल रूम, कॉलिंग कंट्रोल रूम। सर, हमने इस जगह को चारों तरफ से कॉर्डन करके घेर लिया है। अगर आप उस शैतान को बातों में लगाकर थोड़ी सी मोहलत और ले तो हम अटैक करके इन आतंकवादियों को अरेस्ट कर लेंगे। सर, आखिर तुम चाहते क्या हो? कालिया, अगर आधे घंटे में थिएटर के सामने मेरे आदमियों के हवाले कालिया को ना कर दिया तो क्या? बोलो तो क्या? सर, उन्होंने एक बंदी को मार दिया। ओह माय गॉड। सिर्फ आधा घंटा, वरना अगली लाशों की चीफ मिनिस्टर की बेटी सोनल की। क्या? No, I don't want to listen anything. मैंने कुछ नहीं सुनना है। मुझे सिर्फ मेरी बेटी सही सलामत मेरे पास चाहिए। शैतान को जो कुछ भी चाहिए दे दो उसे, दे दो। लेकिन सर, कालिया भी बल्लू लंगड़ा की तरह एक आतंकवादी है। He is an explosive expert, sir. उसने दुश्मनी मुल्कों से पूरी ट्रेनिंग ली है। इन दो खतरनाक आतंकवादियों को छुड़ाने के पीछे शैतान का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है सर। तो उसको पता लगाइए। लेकिन इस वक्त कालिया को फौरन रिहा कर दीजिए। मुझे मेरी बेटी सही सलामत मेरे पास चाहिए। आई वॉन्ट माई डॉटर अलाइव। डू यू अंडरस्टैंड? में फटने वाला है। जो अपनी जान बचाना चाहता है वो Thank you.
बोला था ना तेरे को ड्यूटी के बाद घुमाऊंगा। चल बैठ और पट्टा बांध। चल चल बैठ। ए रैम्बो, अबे अबे तेरी कहाँ जा रहा है?
जाएगी। आओ बेटी धीरे से। डैडी सोनल सोनल बेटी डैडी बच्ची ये क्या हुआ बेटी ये क्या हुआ तू तू ठीक है ना? डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू कमिश्नर थैंक यू वेरी मच। सर इस धन्यवाद का असली हकदार तो वो हवलदार है जिसने सोनल बिटिया की जान बचाई। अच्छा कहाँ है वो? हम उसे इनाम देंगे। ही डिजर्व्स अ प्रमोशन। हाँ सर उसे प्रमोशन देंगे। क्यों सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप उसे मेरे पास भेजिए। ये मुमकिन नहीं है सर। क्यों क्या हुआ? जिस टैंकर में वो जा रहा था वो एक पावर हाउस में घुस गया और फट गया। उस टैंकर में से कुछ रेडियो एक्टिव केमिकल्स जा रहे थे। वो केमिकल्स और पावर हाउस का हाई वोल्टेज बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और वह बेचारा हवलदार ही सिंपली वेपराइज्ड। उसकी लाश तक नहीं मिली। ओह माय गॉड दैट इज टेरिबल। उसके घर वालों को खबर की कि नहीं की आपने? अरे देखा तू भी आ गया और अभी तक अजय का पता नहीं है। पता नहीं रैम्बो को लेकर कब से घुमाने ले गया है। कब अकल आएगी इसे? आज उसका जन्मदिन है इसलिए मैंने उसके पसंद की सारी चीजें बनवाई है। और ये देख ये लड्डू तो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। जरा चख के देखना और बता मुझे कैसे बने हैं। क्या हुआ तू चुप क्यों है? अजय वापस नहीं आएगा। ये क्या कह रहा है तू? हाँ दीदी तुझे दिए हुए वचन का पालन करते वक्त उसने अपनी जान की बाजी लगाई वो जीत गया लेकिन हम उसे खो बैठे दीदी खो बैठे। नहीं ये नहीं हो सकता। ये उस पर तो बजरंग बली की कृपा है। वो ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। ये ये भीड़ कैसी है? चला
मामा क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो। मेरा सगा भांजा, मैं उसका क्रियाक्रम नहीं कर सका। आप लोग चुप क्यों हो गए? मामा मैं यहाँ खड़ा हूँ। अरे काय का मामा, भांजा ही चला गया तो काय का मामा? लेकिन मेरी बात तो सुनो मामा, मैं जिंदा हूँ। अरे काय अरे मामा देखो मैं एकदम ठीक हूँ मामा। तू जिंदा है? हाँ सच्ची जिंदा है। तेरे पाँव तो सीधे, इसका मतलब तुम भूत नहीं है, तू जिंदा है। लेकिन क्यों, मतलब बच कैसे गया? अरे मामा ऐसा बजरंग बली की कृपा है। हाँ बजरंग बली की कृपा है, बजरंग बली। दीदी देखो बजरंग बली अपना आजा आ गया। दीदी देखो कौन आया है। माँ अजय, 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 अजय तू? मैं एकदम ठीक हूँ माँ। तू? हाँ माँ। अजय। माँ तू मत रो माँ। अजय। अरे मुंह बंद कर दे, ये तो मक्खी अंदर चली जाएगी। चलो चलो, अरे लल्लू भागो भागो भागो, मेरा भांजा आ गया, भांजा आ गया। मैंने अपना वचन पूरा किया माँ। हाँ, अजय। मुझे तुम पर नाज है, मुझे तुम पर नाज है अजय, मुझे तुम पर नाज है। लानत है तुम पर, एक हवलदार से मार खा गए। माताएं मोरों के शैतान को जरूरत नहीं। इनको तो सजा मिल गई, लेकिन अब हमारे प्लान का क्या होगा? कालिया की मौत हमारे इरादे नहीं बदल सकती। अभी भी शहर में दो धमाके होंगे और वो दोनों तुम करोगे। शैतान शहर पर राज करेगा। सर एक चौंका देने वाली खबर है, वो हवलदार जिंदा है। लेकिन इतने बड़े धमाके से वो बच कैसे गया? ये सब बजरंग बली की कृपा है सर। बिल्कुल ठीक कहा इसने, जिसको राखे साइया उसको मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जो जगबैरी होए। सत्य वचन। वाह साहब क्या बात कही आपने। बेटा तुमने हमारी बेटी सोनू की जान बचाई है, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। शाबाश शाबाश बेटे, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। हम तुम्हारी प्रमोशन के लिए तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तुम्हें मेडल दिलवाएंगे। थैंक यू सर। ओके आइए सत्य चलिए जी, गुड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अजय मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। अरे बाप रे माफी, अब किससे पिटवाने का इरादा है? मैं सचमुच अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए। अजय मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। वो मेरा फर्ज था। अजय मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा, आज दोस्ती कल दुश्मनी। अजय मैं सचमुच तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, अगर मैं यकीन दिला दूं तो। क्या मतलब? अब आया यकीन? ठीक है। एक मिनट, एक बार फिर से कोशिश कीजिए ना, शायद यकीन आ जाए। मुझे छू के सजन ये मत पवन सुलगाए कुवारा मेरा बदन, मुझे छू के सजन।
मामा वो 15वीं मंजिल पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है। तुझे कैसे पता चला? मेरे दिमाग में घंटी बज रही है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे क्या कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ। अरे तुम सुन। मामा मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ तो अद्भुत शक्ति आई। पागल जैसी बातें मत कर। मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए मामा। अरे कहाँ जा रहे हो? लिफ्ट से चल। लिफ्ट? मामा लिफ्ट तो बहुत ऊपर है और जब तक लिफ्ट आएगी मुजरिम अपना काम खत्म करके भाग गया होगा। अगर 15 माले तक चलते गए तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। देखो कानून के हाथ लंबे होते पैर नहीं। ठीक है तो आप लिफ्ट का इंतजार करिए भैया, मैं तो चला। अरे अरे सुन भांजे, कुछ फायदा नहीं भांजे, मैं तेरे से पहले पहुंचूंगा पगला कहीं का। एक से यहां पहुंच चुका है, बाकी का माल लेकर मैं पहुंचाऊंगा। ओके शैतान, चलो चलो जल्दी चलो, कम ऑन वो बॉक्स ले लो फास्ट। जय बजरंग बली। अरे बाप रे, आई 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 आई, इतने ऊपर से गिरा और कुछ भी नहीं हुआ। जरूर मेरे अंदर कोई अद्भुत शक्ति आ गई है। आरडीएक्स, आरडीएक्स, मामा आरडीएक्स, मामा। चलो चलो 15 माला, मैं भांजे से पहले पूछूंगा। आओ
भांजे आओ आओ, क्या कर लिया सीढ़ी से आकर? मेरे साथ ही पहुंचा ना। नहीं मामू, मैं अभी अभी। छोड़िए ना इन बातों को, वहाँ गुंडे उन्हें पकड़ लेते। आइए मेरे साथ। मामा इन सबको आप अरेस्ट कर लीजिए। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कोई भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से। जगह से या तो कोई नहीं है, सिर्फ जगह हिलने के लिए कोई नहीं है। मामा अभी अभी यहाँ बहुत सारा आरडीएक्स था। अच्छा, और चार पांच गुंडे भी। गुंडे भी थे? लगता है ये ब्लड किसी ने अभी तक खरीदा नहीं। भांजे क्या हुआ? भांजे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या हो गया मामा? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है, उस हादसे से तू बच तो गया लेकिन पागल हो गया। अच्छा, अरे मामा मेरी बात तो सुनो। अरे मत कर, मैं भी पागल हो जाऊंगा। अरे मेरी को बात ही समझ बात कर रहा है। 40 साल से पुलिस स्टेशन में हूं, कुछ देखी नहीं मैंने कभी। बात कर रहा है मामा, मैं सच कह रहा हूँ मामा। बहुत हो गया भांजे, बहुत हो गया। जिस वक्त तू वहाँ पहुँचा था ना, उसी वक्त मैं लिफ्ट से वहाँ पहुँचा था। वो दूसरी बार था। अरे हाँ, पहली बार तू 15वीं मंजिल से नीचे गिरा था ना। 15वीं मंजिल की खिड़की से गिरा था मामा। बकवास बंद कर भांजे। अरे मामा, अरे ऐसा कैसा हो सकता है यार। मामा मेरी अद्भुत शक्ति। अद्भुत शक्ति ठीक है, उस वक्त तू 15वीं मंजिल से गिरा था ना? गिरा था। हम इस वक्त कौन सी मंजिल पे है? तीसरी मंजिल पे। यहाँ से कूद सकते हो? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अरे खाने, अरे उसे रुको, अरे उसे रुको, गिर जाएगा, रुको। बाजे, हाँ, बाजे। मामा, मेरी अद्भुत शक्ति। डॉक्टर, 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 जाना कठिन मेरे। डॉक्टर, 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 काली साथ में क्यों चीख रहा है रे भोले? सुर नीचे कर, नीचे। डॉक्टर, सुर नीचे। ए डॉक्टर, और नीचे। ए डॉक्टर, और नीचे। डॉक्टर, क्या बात है, वाह। तू डॉक्टर है या म्यूजिक डायरेक्टर? अरे बिल्कुल सही पहचाना रे बांगड़ू। बांगड़ू, बांगड़ू, हम बनना तो चाहते थे हैं म्यूजिक डायरेक्टर, परंतु बन गए डॉक्टर। डॉक्टर, हम आते हैं। कौन? कौन? डॉक्टर सूरदास हैं, 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 रागी सूरदास। हम सूर के दास है बांगड़ू। बांगड़ू, हने हने हने, सोना सोना। आज कैसा है? क्या आप उसके प्रोड्यूसर हैं? मेरा मतलब है पिता हैं? नहीं, मैं मामा हूँ। ओहो, फाइनेंसर। फाइनेंसर डॉक्टर साहब, अजय कैसा है? आप ही उसका इलाज कर रहे हैं ना? अजय की सुरों की रचना हम ही कर रहे हैं बांगड़ू। सुरों की रचना? लेकिन उसका तो फ्रैक्चर हुआ था ना? उसका फ्रैक्चर हो चुका है, उसके सारे सुर बिखर चुके हैं। ये देखो, उसके गीतों की रचना अब बिल्कुल कठिन है। ये आगे की धुन है? हाँ। मतलब आगे का एक्सरे है? हाँ। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अजय की हड्डियां जोड़ दीजिए, चाहे तो मेरी हड्डियां निकाल लीजिए प्लीज। नहीं, हम वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं जो दूसरों की धुन पर अपना गीत बनाए। और वैसे भी तुम्हारी हड्डियां अजय के काम नहीं आएंगी बांगड़ू। बांगड़ू, मैं अजय का मामा हूँ। फाइनेंसर। फाइनेंसर, चिंता ना करो, चिंता ना करो। हमने उसके सुरों को प्लास्टर में ढालकर एक और एक्सरे बनाया है। उसकी रिपोर्ट आते ही हमें पता चलेगा कि ये गीत फ्लॉप है या हिट होकर काउंटडाउन में बजेगा। थोड़ी उम्मीद है डॉक्टर साहब, आपने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। हारमोनियम रखो। ये दिल किसको दूं? हाँ, आता है काल। अजय, बेटा अजय। माँ, मैं तेरे पास हूँ अजय, बस तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर देखना इस साल हनुमान जयंती धूमधाम से मनाऊंगी। अरे माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, तू देख, 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 मैं उठ सकता, देख, देख। अरे अरे अरे, तू क्या कर रहा है? नहीं, लेकर ले, लेकर अजय, अजय मेरे हाथ। अरे माँ, मुझे नहीं उठना है, नहीं उठना है, नहीं, नहीं, नहीं उठना है। अजय, मैंने कहा था ना तुझे, लेटे ही रहना। अजय, अजय, कैसा है अजय? ये कौन है? एक चीफ मिनिस्टर की लड़की है, सोनल, अजय की माँ। ओह,
नमस्ते माँ जी। अरे ये क्या कर रही हो? जीती रहो बेटी, तुम अजय की दोस्त हो क्या? दीदी लड़की फूल लेकर आई है, तुम्हारे पाँव छू रही है, समझा करो। हिंदी पिक्चर नहीं देखती क्या? अच्छा 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 अच्छा, आप समझी। क्यों रे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? दीदी समझा करो, ये पकड़। बताने वाला था लेकिन अब बता नहीं सकता ना। तू घर चल, मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन ये यहाँ अकेला कैसे रहेगा? अकेला रहेगा तो ही लेटा रहेगा ना। तू चल, तू घर चल। अच्छा ठीक है अजय, मैं चलती हूँ। बेटी जी, अजय ठीक हो जाने के बाद तुम घर जरूर आना। जी माँ जी। आएगी आएगी, तू चल तू चल, घर चल। अजय ये तुमने क्या किया? तुम यकीन नहीं करोगी सोनल, मुझ में अद्भुत शक्ति आई है जो आती है और चली जाती है। मुझे पता नहीं वो कैसे जाती। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अजय? सोनल मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पंद्रह भी मंजिल से गिरा था। तुम चुपचाप लेते रहो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। और वैसे ये क्या हो रहा है? चलो चलो, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, चलो जल्दी। मैं जाऊं? एक जगह खाली नहीं रखी इंजेक्शन देने के लिए। अरे आप ये क्या कर रही है नर्स? अरे थोड़ी करते हैं। सानी दापा मागरे सा, मिराकल मिराकल, सुपर हिट सुपर हिट। सिस्टर क्या है? आप कितनी अच्छी हैं। ये गुलदस्ता आप मेरी तरफ से ले जाइए प्लीज। थैंक यू। अरे भोले भोले, देख देख हंगामा हो गया, तेरे भांजे के सारे सुर मेरा मतलब सारी हड्डियां जुड़ गई। मतलब मेरा भांजा अच्छा हो गया? डॉक्टर आप ग्रेट है, आपने क्या कंपोजिशन किया है, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड। अजय है, अजय है। अरे ये गीत मेरा नहीं, अवार्ड मुझे क्यों? भोले भांजे 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 भांजे, तू जुड़ गया, मतलब तेरी हड्डियां जुड़ गई भांजे। भोले भोले, वो सो रहा है। ये वक्त है क्या सोने का? बात कर रहे, डॉक्टर साहब बोल रहे जी तू सो रहा। अजय अजय तू कहाँ गए? अजय 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 कहाँ गए? अजय क्या हो रहा है? तू चिल्लाए? अरे अरे ये तो सिर्फ म्यूजिक ट्रैक है, अंदर का गीत गायब है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब देखो ना, ये तो नॉकडाउन शो हो गया है। अरे भाई मांजे तू ठीक तो है ना? लेकिन मांजे तू अंदर से बाहर कैसे आ गया? मैंने कहा था ना मामा, सब बजरंग बली की कृपा है। हाँ। जय बजरंग बली। कृपा तेरी शक्ति मिली बजरंग बली बजरंग।
मान ज्ञान गुण सागर जय कपिष्टि हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतलामा। दुश्मन की नली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली तेरी जय हो। ये कोई मामूली हवालदार नहीं है, वो 15वीं मंजिल से गिरा और फिर भी बच गया। ये कैसे हो सकता है? झूठ बोलते हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम बड़ी मुश्किल से RDX वहां से लेकर आए हैं। इसका मतलब उस हवालदार को रास्ते से हटाना होगा। जुर्म के जंगल में हवालदार जैसे मच्छर की परवाह ये बल्लू कभी नहीं करता। उसे जब चाहे मार सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें RDX ऐसी जगह रखना होगा जहां पुलिस का कुत्ता भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये काम हम करेंगे कैसे? तुम भूल रहे हो बल्लू कि पुलिस ने तुम्हारी तलाश में चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। घबराओ नहीं, इसका इंतजाम हमने कर लिया है। हमारे गोडाउन में रहेगा। तुम्हारे गोडाउन में? और कोई रास्ता नहीं है। RDX मेरी गाड़ी में रखवा दो। लेकिन चेकिंग तो? घबराओ नहीं, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मेरी गाड़ी की चेकिंग हो ही नहीं सकती। क्या हुआ? मामा वो गाड़ी में कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है, जैसे RDX। पागल हो गया तू? अरे तुम भांजे, भांजे क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो भांजे, मेरी बात सुन। तू मुझे मरवाएगा एक दिन। अरे भांजे, भांजे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे 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 गिर गया भाई। क्या करता है तू भांजे? तुझे कैसे पता चला कि गाड़ी में कुछ है? रोक, देख भांजे, कुछ लपड़ा हो जाएगा ना, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी, मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा। क्या बात है? सत्यमूर्ति जी आप जाइए जाइए जाइए। सर क्या कर रहे हो भांजे? हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। मुझे नहीं इसे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तलाशी क्यों? आपके गाड़ी में RDX है। ऐसे ये बोल रहा है पागल की पार्टी प्रेसिडेंट है, इनकी गाड़ी में RDX होगा कैसे? सर हम लोग साबित करेंगे ये बेवकूफ है, लेने तो तलाशी इसे। ड्राइवर डिक्की खोलो।
गाड़ी में कुछ है क्या? आरडी बंद कर देना, आप जाइए, गाड़ी में कुछ नहीं, बेवकूफ लड़का है। ड्राइवर चलो 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 ड्राइवर साहब ठहरो, क्यों वर्दी उतारने पर तुला है? मामा मुझे गाड़ी के अंदर तलाशी लेनी। दिस इज टू मच। हां टू मच नहीं, थ्री मच, फोर मच, बहुत मत मत करता है ये लड़का, लेने तो तलाशी से ले लो ले लो। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं हूं ना। हां ले लो ले लो, फिजूल में पंगा ले तुम लोग मेरे साथ। कुछ मिला? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मामा। देखा, हम दोनों ने साबित किया ये बेवकूफ है ना? नॉनसेंस, तुम लोगों ने जो मेरा वक्त जाया किया ना, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। चलो ड्राइवर, इडियट्स। एक्सक्यूज मी सर, सर लगता है तेरे साथ मेरी भी वर्दी उतरेगी, ये आदमी को जानता नहीं है तू। ये कैसे हो गया मामा? अभी भी मेरी बात मान, ये अद्भुत शक्ति नहीं है, तू लकी है, बजरंग बली की तेरे ऊपर कृपा है। अब भी आपको यकीन नहीं हुआ? मैं साबित करके दिखाऊंगा, वो भी इस वर्दी में नहीं, सिविल ड्रेस में। आइए मेरे साथ। अरे तू कहां ले गया मुझे? बस मामा तुम देखते जाओ। हे जर्दा, पहले वर्दी उतरने वाले थी, लगता है अब खाल भी उतरेगी। जरूर उतरेगी मामा, लेकिन अपनी नहीं उसकी। हे चूहे बाहर निकल चाल, तेरी कटरी तुम्हारी बनाऊंगा रे। चल भांजे घर जाते। अरे मामा देखते तो जाओ। अरे अबे तेरा दिमाग घूम गया क्या? उस दिन का मां भूल गए क्या? अरे जो कुछ भी उस दिन लिया था वही तो लौटाने आया हूँ दूध के साथ। क्या मामा? हाँ, नहीं और जो अगर माँ का दूध पिया तो? बाबा अपन को चैलेंज कर रहे और वो भी अपन के मोहल्ले में। ये लो दादा बैठ जाओ। ए आजा, नहीं तो बोल मैं आऊ क्या हूँ? अरे रुक, तू अपन का मेहमान है रे, अपन आता है तेरे पास क्या? लगेगा गिरेगा, तू आना नहीं। अरे हे आजा रे। कैसे आप? ऊपर से आया, तुम लोग को ऊपर भेजने। जरदा, सिर्फ जरदा नहीं, जरदा वाह भांजे, जो मैंने सिखाया था वही कर रहा है। आज के बाद तेरे सारे धंधे बंद, तू इस एरिया में नजर नहीं आना चाहिए। मेरे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरिया बोलता है मैं शहर छोड़ के जाता है। शहर क्या, मैं पूरा देश छोड़ के जाता है। तू बोलेगा ना तो मैं ना वापस
दुबई भी चला जाता है। चाल फुटले। मुंह छुपा के चला जाता है रे। अकेले कहाँ जा रहे हो भीख मांगने? इसे भी साथ ले जा। कौन रे तू? मैं चिकनिया। ये तुम्हारा क्या हाल है दादा? भांजे चलना दुबई चलते। जाओ 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 जाओ। अरे अरे क्या बात है भांजे? देखा मामा कर दिया, अपने मामा का नाम रोशन कर दिया। इस बात पे हो जाए कि क्या जाए। मान लिया भांजे, मान लिया। भांजे ये तो बता, आजकल तू कौन से जिम में कसरत कर रहा है? हैं? क्या मतलब? मतलब तो साफ है, गुंडों के साथ लड़ने के लिए ताकत और अकल की जरूरत होती है, और मेरे साथ रह रहे के तुझमें अकल तो आ गई और कसरत से ताकत भी आ गई। क्यों? अरे मामा ये सब मेरी अद्भुत शक्ति का कमाल है। फिर से अद्भुत शक्ति? ठीक है, मेरे साथ पंडा लड़ाओगे? हार जाओगे मामा। अच्छा, फिर लोग कहेंगे कि भांजे ने मामा को हरा दिया। ओ चैलेंज, मामा को चैलेंज। हाँ हाँ चैलेंज। मामा अभी वक्त है, सोच लो। हाँ सोचना क्या, हो जाए शुरू। हो जाओ। एक मिनट, एक मिनट। क्या है, पंजा लड़ाने से पहले मुझे हाथ पोछना पड़ता है। पैसे उन्होंने बोला है ना? पोछिए। हाँ पोछ रहा हूँ। हो गया। बजरंग बली संभाल ना। चलो हो जाओ शुरू। चलो वन टू थ्री। देखा, हवलदार भीम सिंह कहते हैं मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है। क्या अद्भुत शक्ति बोल रहे है। चाय का बिल भर। चल मेरी जान, तुम्हारे दिल में छाने के लिए लो मैं आ गया। ये कोई वक्त है आने का? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बंदा गुस्तागी के लिए माफी चाहता है। और ये क्या है? तुम खाली हाथ क्यों आए हो? खाली हाथ क्या मतलब? आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? उफ़ो, भूल गए क्या, आज स्विमिंग का प्रोग्राम था। ओ स्विमिंग, तो जाओ करो। क्या मतलब, तुम नहीं आओगे? मैं और स्विमिंग, मेरा खानदान स्विमिंग से डरता है। डूबने के डर से मैं बाल्टी में पानी नहीं भरता। क्या? सीधा शावर के नीचे नहाता हूँ। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने डरपोक हो। मैं और डरपोक? हाँ, बच्चों ये कोई तरीका है खेलने का? देखो गिर गई ना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और मैं जा रही हूँ। कहाँ? ड्रेस चेंज करने। ओ अच्छा, इट्स अ गुड आइडिया, जल्दी आना। अंकल क्या है? अंकल क्या है? अंकल हमारा बॉल। हाँ 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 बच्चों, बॉल मैं लेकर आऊंगा। आपको स्विमिंग आता है अंकल? फिर आप बॉल कैसे लाएंगे? देखो मेरा कमाल बच्चों, मेरे मुन्नू। मैंने टीवी में देखा था,
अच्छा यू तो ये सब नाटक था हाँ अरे अरे सोनल है पर करने मुझसे प्यार इसके लिए तो करने
सोनल। क्या जरूरत थी भादरी दिखाने की? अरे वो बच्चों का वादा करो कि आगे से फिर ऐसा कभी नहीं करोगे। मैं वादा लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? कि जब तुम्हें तैरने ही नहीं आता तो तुम लेक के बीच में कैसे पहुंच गए? पानी के ऊपर चलकर। तुम फिर मजाक कर रहे हो। सोनल मैं सचमुच पानी के ऊपर चलकर गया था। तो फिर तुम डूबे कैसे? अरे जैसे ही तुम वो लाल कलर का क्या सोनल लाल पुलिस स्टेशन की गाड़ी लाल मामा का रुमाल लाल तुम्हारा ड्रेस भी लाल था। ये तुम क्या लाल लाल कर रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन मेरे सब कुछ समझ में आ रहा है मामा। अरे हो मामा। अरे हम अपनी अद्भुत शक्ति जाने घर जान गया हूँ। क्या बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मतलब है कि मैं अपनी अद्भुत शक्ति जाने घर जान गया हूँ। तेरी अद्भुत शक्ति अब भी विश्वास नहीं आपको मेरी अद्भुत शक्ति पर? आहिस्ता वो लोग हंसेंगे। हाँ आइए मेरे साथ। छोड़िए कहाँ ले जा रहे हो भांजे कहाँ ले जा रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है। क्या करो भांजे? अरे कितना वजन डालोगे? इधर भी भांजे लपड़ा हो जाएगा। इतना कैसे उठाओगे भांजे? गिले 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 गिले। Come on boys, मेरा चला है। क्या हुआ भांजे? कुछ नहीं नया नया सीख रहे ना सीख जाएगा। उठा 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 भांजे उठ जा। आराम से आराम से आराम से आराम से बैठ जा यहाँ बैठ जा। मेरी इज्जत का भाजी वाला कर दिया। कैसे हो तुम? ठीक हूँ मामा। अब बोला नहीं मेरे पास अद्भुत शक्ति है। मेरे पास अद्भुत शक्ति है और वो लाल रंग देखने से चली जाती है। लाल रंग? हाँ मामा अभी अभी मैंने इतना भारी वजन उठाया। हाँ? इन लोगों के कपड़े का रंग क्या है? लाल। जब मैं पानी के ऊपर चल रहा था सोनल के कपड़े का रंग क्या था? मुझे क्या मालूम? लाल। सोनल कौन? छोड़ो ना। हाँ, हाँ, उस दिन जब मैं पुलिस स्टेशन से कूदा। हाँ? गाड़ी का रंग क्या था? लाल। जब मैंने आपसे पंजा लड़ाया। हाँ? आपके रुमाल का रंग क्या था? लाल। जब हम दोनों ने सत्यमूर्ति की गाड़ी रोकी। हम दोनों ने नहीं तूने अकेले। हाँ ठीक है। हाँ। और मुझे यकीन था कि उसमें आरडीएक्स है लेकिन आरडीएक्स मिला नहीं। हम दोनों की वर्दी बच गई। मामा सत्यमूर्ति की गाड़ी की सीट का रंग भी लाल था। हाँ। अरे हाँ यार इसका मतलब सत्यमूर्ति वही तो मैं कहना चाहता हूँ। चल भांजे अभी जाकमूर्ति की गाड़ी चेक करते। मामा अभी तक तो सामान किसी गोदाम में पहुंच गया होगा। गोदाम? हाँ उसका गोदाम है और उसका पता मुझे है। तो फिर क्या करें? आज रात को सत्यमूर्ति का गोदाम। जय बजरंग बली। पहले पसीना तो पोछ ले। यही है गोडाउन। हाँ या कम ऑन गो डाउन। अरे क्या सीढ़ी है ना? मालूम है मैं हमेशा जम मर के जाता हूँ ना इसलिए। ये देखो ये देखो काला नमक सफेद है। ये तो नमक का धंधा करता है। अरे मामा ये ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर सफेद कैसे? मामा ये देखो मामा आरडीएक्स मतलब आयोडेक्स का भी धंधा करता है। आयोडेक्स नहीं आरडीएक्स। आरडीएक्स और ये है इसके डेटानेटर। डेटा 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 नेटर। मामा कोई आ रहा है? आ रहा है तो आने दो ना। आ रहा है। भाग भाग भाग। टाइगर सत्यमूर्ति ने कहा है यार डिस्क के डिब्बे आज ही शैतान के अड्डे पर पहुंचा दो। चलो चलो हरी अप चलो जल्दी जल्दी। सुना मामा सत्यमूर्ति शैतान से मिला हुआ है। हैं मामा मामा। हेलो कौन हो तुम? मैं वो शक्तिमान। यहाँ क्या कर रहे हो? टीवी देख रहा हूँ। हेल्प कर रहा हूँ। भागो 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 यार लोग आ रहे हैं।
कुछ समझ में नहीं आता, एक मामूली सा हवलदार इतने सारे गुंडों के साथ कैसे लड़ सकता है? गाड़ी को अपने हाथों से रोक लेता है, 15वीं मंजिल से गिरता है और उसे खरोंच तक नहीं आती, कमाल है। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसे यह कैसे मालूम हुआ कि मेरी ही गाड़ी में आरडीक्स है? जिस टैंकर का धमाका हुआ उसमें कुछ रेडियो एक्टिव केमिकल जा रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वजह से उसमें कुछ अजीब सी शक्ति आ गई हो? अजीब सी शक्ति है तो कमजोरी भी होगी। आचार्य जी कमाल है, मुझे बुलाकर खुद कहां चले गए? आचार्य जी ये क्या हो गया आपको? मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूं। बेवकूफ, नई सिलवाई थी, खराब कर दी तूने। Ah!
हुकुम दो शैतान, इसे मारकर ऐसी जगह दफनाते हैं जहां पुलिस के कुत्ते भी नहीं सुन पाएंगे। नहीं, इस वक्त हम इसे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि अगर यह किसी को कहकर आया है कि मैं आचार्य के पास जा रहा हूं तो पुलिस इसके खूनी को ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच जाएगी। अभी नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, यह लड़ते लड़ते अचानक कमजोर क्यों हो गए? इसी बात का तो पता लगाना है। आचार्य जी, आप ठीक तो है ना? वो गुंडे कहाँ गए? भाग गए कायर कहीं के। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रुको रुको, मुझे तुम्हारा जख्म देखने दो। ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे सर पे जो चोट आई थी, अरे ये कैसे हो सकता है? ये सब मेरी अद्भुत शक्ति का कमाल है। अद्भुत शक्ति? जी हाँ, बजरंगबली ने उस धमाके में मुझे जीवन दान ही नहीं बल्कि देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए अद्भुत शक्ति भी दी है। ओ, तो फिर तुम अचानक कमजोर कैसे हो गए? ये एक राज है। कैसा राज? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं आचार्य जी, आपको तो मैं अपना गुरु मानता हूं, आपसे क्या छिपाना। दरअसल लाल रंग मेरी कमजोरी है, जब भी लाल रंग मेरी आंखों के सामने आता है मेरी शक्ति चली जाती है। अच्छा अच्छा, लाल रंग। लेकिन आचार्य जी, आपने मुझे क्यों बुलाया था? अजय बेटे, तुम्हारे पराक्रमों की बात सुनी और मुझे इस अंधकार में एक आशा की किरण नजर आई। आचार्य जी, हमें पता चला है कि सत्यमूर्ति शैतान के साथ मिला हुआ है। क्या? तो तुम उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? सत्यमूर्ति के खिलाफ हमारे पास सबूत क्या है? सबूत? हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ सर, हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ। सिर्फ इतना काफी नहीं, सत्यमूर्ति के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, कोई ठोस सबूत। यू अंडरस्टैंड? ठोस सबूत? कैसा सबूत सर? किसी जुर्म में हम अगर उसे रंगे हाथ पकड़ ले तो? आप रास्ता तो बताइए सर, हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम? तुम एक काम करो, तुम सत्यमूर्ति के पास जाओ और उसे किसी भी तरह से यकीन दिलाओ कि तुम उसकी असलियत जानते हो। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा सर? अगर वो ड्रग स्मगलर है या शैतान का दोस्त है तो घबरा जाएगा। बस उस वक्त तुम उसके पास एक प्रस्ताव रखना, कुछ पैसों के बदले में तुम अपना मुंह बंद रखोगे। अगर वो गुनहगार है तो फौरन तुम्हारी बात मान लेगा और पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, और जिस वक्त वो तुम्हें पैसे दे रहा होगा, रिश्वत देने के जुर्म में हम उसे उसी वक्त रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये जुर्म कैसे हुआ? अरे मामा कैसी बातें करते हो, सरकारी अफसर को रिश्वत देना अपराध है। अच्छा, लेकिन आजकल का माहौल देखकर मुझे ऐसे लगा कि वो कानून निकल गया। What nonsense? ये बकवास है। हम यही कहना चाहते हैं लल्लू, और ये सब करने के लिए हम यहाँ अपना ईमान ठिकाने लगाने आए हैं। क्या मतलब? चुप इट बॉय, हमारा ईमान खरीद कर तुम हमारी जुबान बंद कर सकते हो। बोलो, होता है सौदा टकलू डार्लिंग? ओ, इतनी सी बात के लिए कितना वक्त जाया किया तुम लोगों ने। साफ साफ कहा होता तो नोट गिन रहे होते, नोट। खैर, ये बताओ कि तुम लोगों के ईमान की कीमत क्या है? है
हमारे ईमान की कीमत। भाटी तू बता ना। मैं क्या बोलो, बताऊं? बोलो, बोलो? क्या आप ही? आज तक रिश्वत ली नहीं ना, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है। होता है, होता है। शुरू शुरू में जब ईमान डगमगाता है ना, तो जुबान जरूर लड़खड़ाने लगती है। 10 लाख रुपए काफी होगा? हाँ, 10 लाख। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। लोग कैसे रिश्वत लेते होंगे, मेरी तो बोलती बंद हो गई। ऐसा ही होता है मामा, जब जमीर दम तोड़ देता है ना, तो आत्मा की आवाज भी मर जाती है। अच्छा डायलॉग है, जब जमीर कुछ नहीं बोलेगा, चुप बैठने का। पूरे 10 लाख हैं। लो भांजे, लो लो, घबराओ नहीं, ले लो। खोलो खोलो, लो खोलो। हाँ खोलो, शाबाश। 500 के बंडल है। ए, ये कहाँ गए? मैं सुनता भाग गए। देखिए सर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। हाँ, गिरफ्तार कर, गिरफ्तार करो इन्हें, ये बहुत बदमाश है। सर जल्दी आइए, पकड़ लीजिए, कहीं ये भाग ना जाए। अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। अरे मुझे नहीं, इसको। अरे मुझे नहीं पकड़ना है भाई। अरे मामा नाटक बंद करो, ये लोग हमें सच में पकड़ रहे हैं। सच में? हाँ, लेकिन हम लोगों ने किया क्या? कमिश्नर साहब, ये सब तो नाटक। शर्मा जी आप बोलिए ना। शर्मा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही निकली। सर मुझे तो इन पर पहले से ही शक था। सर ये सब क्या है? देखिए सर, ये बैग। कमिश्नर, इन दोनों को ले जाए, ये दोनों पुलिस फोर्स के नाम पर धब्बा है। लेकिन हमें कुछ नहीं किया। ए शर्मा, तूने हमें धोखा दिया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, ले जाओ। ऐसा मैं भी हवालदार हूं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने पुलिस फोर्स की बहुत बड़ी मदद की है। इट्स माय ड्यूटी। क्या था, क्या क्या हो गया? बांजे प्रमोशन लेने गए थे, नौकरी चली गई। मामा ये टाइम प्रमोशन के बारे में सोचने का नहीं है। तो कितने बजे सोचेंगे? मामा हमारा देश खतरे में है, लाखों लोगों की जानें खतरे में है। सत्यमूर्ति और शैतान आरडीएक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, हमें उन्हें किसी भी हाल में रोकना होगा मामा, किसी भी हाल में रोकना होगा। लेकिन ये जेल से बाहर निकलेंगे तो रोकेंगे ना? यहां से बाहर निकलना तो मेरे दाएं हाथ का काम है, लेकिन मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता मामा। कानून तोड़ना नहीं चाहता? वैसे भी जेल से बाहर निकलकर करेंगे क्या? हम तो ठीक तरह से जानते भी नहीं वो शैतान है कौन। सत्यमूर्ति के जरिए हम उस शैतान तक पहुंच सकते हैं, और ये बात वो शैतान भी जानता है, इसलिए अब वो आरडीएक्स का इस्तेमाल जरूर करेगा। लेकिन कैसे, क्या प्लान हो सकता है उनका? पहला ब्लास्ट मंदिर में होगा। वक्त तुम्हें मालूम है जी। दूसरा ब्लास्ट ठीक 10 मिनट बाद पास वाले मस्जिद में होगा। जगह तुम्हें मालूम है जी? कोई सवाल? नहीं, तुम जा सकते हो। अब वो दिन आ गया है शैतान। हाँ, अब इस शहर की सड़कों पर मौत का तांडव होगा। लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, भाई भाई से टकराएगा, पुलिस अपना सर पीटेगी, और सीएम रामलाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, अपनी किस्मत पर रोएगा। सीएम मैं बनूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, अब इस शहर पर शैतान का राज होगा। एक ही बात, लेकिन अच्छे अगर अपनी अद्भुत शक्ति से जेल तोड़कर बाहर आ गया तो? उसका इंतजाम हो चुका है। माँ, दीदी, माँ। अच्छे, तू कैसी है माँ? माँ तू ही कहती थी ना माँ कि सच की हमेशा जीत होती है, तो सच ये है माँ कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। माँ मैं बेगुनाह हूँ, माँ मैं बेगुनाह हूँ। जानती हूँ बेटे, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, तू कोई गलत काम कर ही नहीं सकता,
लेकिन एक बात याद रखना, सत्य की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हमेशा हार। लेकिन बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए तुझे कर्म करना है और तेरी कर्म भूमि है इस लॉकअप के बाहर। मैं समझ गया माँ, मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है। तू तो हार ही नहीं सकता, तू अजय है। चलती हूँ। मामा, माँ सही कहती है, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन कैसे? दीवार तोड़कर। जय बजरंग बली। अजय, कोई आ रहा है। क्यों, कैसे है मेरा दो जासूस? कोई तकलीफ तो नहीं? कमी नहीं करता देशद्रोही, मैं तुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट समझता था, लेकिन तू विलन निकला विलन। तो क्या गोविंदा से मेरी शिकायत करोगे? है शर्मा, हम यहाँ से बाहर तो निकलेंगे, लेकिन उसके बाद तेरा क्या होगा तू कभी सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं सोच सकता। लेकिन तुम बाहर कैसे निकलोगे? मैं तो भूल ही गया, अद्भुत शक्ति है? लेकिन शैतान कभी नहीं भूलता, उसे बराबर याद रहता है। उससे तुम्हारे लिए खूबसूरत गिफ्ट यानी कि तोहफा भेजा है। दिल्ली से फोन है। बोलो क्या बात है? सर सचमुच दिल्ली से फोन है। हेलो, क्या? अच्छा, आशी, ओ आई सी। हाँ मैं पता लगाता हूँ, हाँ पता लगाता हूँ। क्या हुआ सर? इंटेलिजेंस ब्यूरो की खबर है। क्या? इस शहर में बहुत सारा आरडीएस आया है। सोनल, अरे सोनल का पीछा करो, उसे रोको। सर वो तो चली गई। कहाँ? भांजे, जेल से बाहर कैसे निकलेंगे? पता नहीं मामा, अब बजरंग बली ही कोई रास्ता दिखाएंगे। भांजे भौंक क्यों रहा है? मैं नहीं मामा। तो रेको! रेम्बो, रेम्बो! अरे तू अंदर क्यों आ रहा है? हम दोनों को बाहर निकाल। हाँ, मारे, मारे। रेम्बो, रेम्बो आज तेरी परीक्षा है, ये जो बुके पड़ा है इसे बाहर लेकर जा। सामने प्लीज। हाँ रेम्बो, कम ऑन, कम ऑन। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी उठा जल्दी उठा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन यार। अरे तुम क्या रहे? तू मत आएगा, होशियार अपना डॉगी होशियार है। आओ कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी पकड़ ले। वेरी गुड, तू क्यों रहा है? अरे हां ये उठा ना, वो उठाएगा उठाएगा उठाएगा। अरे 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 यार, ये मरवाएगा। ओ नो यार, रेम्बो मेरे बाप, उठाना। क्या कर रहे हैं दोनों? अब दोनों भी सो रहे हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रेम्बो चुप जा चुप जा चुप जा चुप जा, जल्दी आ जा रहा है, चुप जा। भांजे सो जा। क्यों सुपरमैन, आराम फरमा रहे हो? कुत्ते की आवाज। मामा को ऐसे खराटे मारने की आदत है। कुत्ता कहीं का। रात को मुआ सोने न दे, खुशबू फैलाए घड़ी घड़ी,
रात को मुआ सोने न दे खुशबू फैलाए। कुत्ता ही सही लेकिन वफादार हूँ, तेरे जैसा देशद्रोही नहीं, समझे? कम ऑन रैम्बो, कम ऑन रैम्बो, कम ऑन रैम्बो, उठा जल्दी 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 उठा, वेरी गुड, जल्दी उठा जल्दी उठा, शाबाश 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 शाबाश, हां क्या क्या, उठा उठा उठा, भाग जा शाबाश। देखो मेरा कमाल, क्या बात? ये बजरंग बली। बाजे मामा, कम ऑन मामा, जम जम, मैं अपने आप को टूटते हुए नहीं देख सकता, जल्दी करो नहीं तो पुलिस आ जाएगी। उकता आ रहा है, देख मैं जम मार रहा हूँ, मुझे पकड़ लेना प्लीज, बाजे पकड़ लेना। ओह माय गॉड, भाग गए। मैं मर गया, मैं मर गया। मामा मैंने आपको पकड़ लिया। पकड़ लिया तो छोड़ना। रैम्बो 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 रैम्बो, कम हियर कम हियर, रैम्बो कम हियर कम हियर कम हियर, रैम्बो रैम्बो तू घर जा और माँ का ख्याल रख, चल जा जा जा। चलो मामा, कहाँ जाना है? सत्य मूर्ति के पास। हेलो, जल्दी चलो भैया, वक्त बहुत कम है। कुमार गाड़ी निकालो। तुम लॉकअप तोड़कर भाग आए? हाँ सत्य मूर्ति, लॉकअप के अंदर पैदा हुए सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ, सोचा तुम दे सकते हो। बता शैतान कौन है? देख मैं कुछ नहीं जानता, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा, मेरे पास बकबक का, मैं हट जा मेरे रास्ते से। रुक जा रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मारेगा? हाँ ले मार, मारना। अच्छा रुक जा, मार। शैतान कौन है? बताता हूँ, बोल। वो उसका नाम है तुम्हारी माँ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ को? तुम्हारी माँ खतरे में है। क्या हुआ माँ को? क्या हुआ मामा? चल 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 माँ, माँ हो गया बजरंग बली? कहाँ है मेरी माँ? तू इस तरह खामोश क्यों खड़ा है? बता कहाँ है मेरी माँ? तूने हमेशा अपने भक्त की हर इच्छा पूरी की, तूने मुझे दूसरा जन्म दिया, तेरे ही आशीर्वाद से मुझे ये शक्ति मिली, नहीं चाहिए मुझे वो शक्ति जो मुझे मेरी माँ से ना मिला सके। तू मेरी सारी शक्ति ले ले मगर मुझे मेरी माँ से मिला दे। है मेरी मां? बता बजरंगबली तुझे मेरी भक्ति का वास्ता है? बता पवन पुत्र तुझे तेरे राम जी? Thank you.
आचार्य जी, आपको तो मैं अपना गुरु मानता हूं, आपसे क्या छिपाना। दरअसल लाल रंग मेरी कमजोरी है, जब भी लाल रंग मेरी आंखों के सामने आता है मेरी शक्ति चली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जय बजरंग बली। अजय, मैं कमिश्नर के पास गया था लेकिन क्या कर रहा है? पाजे पाजे कैसे पता चला कि आचार्य शैतान है? शोर मत करिए। आहिस्ता, आपके बाद लाल रंग की कमजोरी का राज सिर्फ आचार्य जानता है। हाँ करेक्ट करेक्ट। अरे हाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर विलन लगता है, कंप्यूटर से शायद कुछ सुराग मिले। शैतान, तू चाहे कुछ भी कर ले लेकिन मेरे बेटे की हिम्मत नहीं तोड़ सकता तू। अजय तेरा कोई भी मकसद कामयाब नहीं होने देगा। शैतान का मकसद तेरे बेटे की अद्भुत शक्ति की तरह नहीं है जो लाल रंग देखकर नाकामयाब हो। ये मेरा सपना है, वो आज पूरा होगा। बहुत इंतजार किया है मैंने, अब इस शहर में दो धमाके होकर ही रहेंगे, एक मंदिर में और ठीक 10 मिनट बाद मस्जिद में। तू चाहे कितने भी बम फोड़ दे, फैला दे अपने आतंक का डर, फिर भी तू कामयाब नहीं होगा। कौन रोकेगा मुझे? कौन? तुम्हारा ये बेटा जो अपनी अद्भुत शक्ति के बिना अपनी नहीं हिला सकता। अरे तू जैसे देशद्रोही को खत्म करने के लिए किसी अद्भुत शक्ति की जरूरत नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी होना काफी है। देखता हूं तेरा ये हिंदुस्तानी बेटा मुझे कैसे रोकता है। ठीक 1 मिनट बाद ये जगह तू और तेरे इस बेटे के साथ उड़ जाएगी। शैतान हर दिल में बसता है। मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है माँ। बजरंग बली तेरे साथ है, जा। जय बजरंग बली।
बना दूंगा सफेद। अरे मामा, हाँ जी तू भाग, मैं इन्हें देख रहा हूँ। कौन से मंदिर और मस्जिद में बम लगाया तुम लोगों ने? मावादीरा मस्जिद और मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर। आप तो छोड़ो, आप तो छोड़ो। बजरंगबली मुझे शक्ति दो कि अब मैं अपने भाइयों की मस्जिद बचा सकूं। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। रुक जाओ जय, रुक जाओ जय। ये देख अजय, और ये भी देख। अब यह धमाका होके रहेगा, अब यह धमाका होके रहेगा। जब तक यह बटन दबा रहेगा मस्जिद रहेगी। जिस वक्त यह बटन छूटा बम फटेगा। पकड़ना है तो छोड़ दूंगा, पकड़ना है तो छोड़ दूंगा। छोड़ू अब यह धमाका होगा, लेकिन यह धमाका मैं नहीं, तुम करोगे। तुम नहीं। नहीं।
मिटा